शिव त्रिदेवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ, जिनका नाम लेने से ही इंसान जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। उन्हें पाने के लिए पूजा अनुष्ठान से लेकर तीर्थ तक लोग करते हैं। उनके सभी रूपों का ध्यान करके उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा रखते हैं। वैसे तो शिव का हर रूप सुंदर है, लेकिन अघोरी रूप सबसे खूबसूरत है। इस रूप के बारे में बतलाया जाता है कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, भांग दतूरे का सेवन कर मदमस्त रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका ये रूप क्यों है? आखिर क्यों शिव चिता के भस्म को शरीर पर लगाकर भांग दतूरे के नशे में मदमस्त घूमते रहते हैं? इसकी वजह है, शिव भले ही वैरागी हैं, पर वैराग्य जीवन के साथ अपने दाम्पत्य जीवन को भी निभाते हैं। भीषण रूप से क्रोधित होने वाले शिव भावुक प्रेमी भी हैं। भस्म लगाने के पीछे का कारण उनका सती के प्रति अपार प्रेम है। आइए आपको शिव के अघोर अवतार की पूरी कहानी बताते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। चिता की राख लगाते हैं महादेव। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक शिव को हमेशा शमशान में बैठे गले में नाग, माथे के बीच में आग, जटाओं में चंद्रमा और माँ गंगा को धारण किए हुए वर्णित किया गया है। लेकिन उनका शरीर पर भस्म धारण करना भक्तों को बेहद चौंकाता है। भगवान शिव जो भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं, वह किसी धातु या लकड़ी को जलाकर बची हुई राख नहीं होती है। दरअसल वह भस्म जली हुई चिताओं के बाद बची हुई राख है। सती के विरह में भस्मधारी बने बाबा। भस्म और भगवान शिव का रिश्ता सती के प्रति उनके प्रेम से भी जुड़ा है। सती के आग में कूदकर जान देने की खबर जब शिवजी को मिली तो वह बेहद क्रोधित हो गए और उनके शव को लेकर भटकने लगे। उनको इस हाल में देखकर विष्णु जी ने सती के मृत शरीर को भस्म में बदल दिया। पत्नी वियोग में तड़प रहे शिव ने इस भस्म को अपने तन पर लगा लिया ताकि इन कणों के जरिए सती हमेशा उनके साथ ही रहे। खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। हिंदू मान्यताओं में शिव जी संसार को नष्ट करने वाले हैं, हमेशा शमशान में बैठकर मृत्यु का इंतजार करते हैं। मृत व्यक्तियों को जलाने के पश्चात बची हुई राख में उसके जीवन का कोई कण शेष नहीं रहता, ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसी भस्म को शरीर पर लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। साथ ही राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं, जिससे उनके सारे दोष दूर हो जाते हैं। तो दर्शकों, आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि शिवजी को भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तब तक देखते रहिए समय चक्र।